शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हैप्पी बर्थडे रक्षा। ओह क्रिश, मैंने तो सोचा था। गलत सोचा तुमने। अगर यहां से कूदकर जान देने की हिम्मत होती तो बात ही क्या थी। और फिर आज के दिन मैं इतना भयानक तोहफा तो तुम्हें नहीं दे सकता था ना। क्यों क्रिश? क्योंकि तुम्हारा पति होना एक बहुत बड़ी बात है रक्षा, और बड़ी चीजों की कीमत कभी छोटी नहीं हुआ करती। बस क्रिश बस, बार बार किस बात की सजा दे रहे हो तुम मुझे? हाँ, इस कामयाबी को कब तक मेरे मुंह पर मारते रहोगे तुम? hey, रक्षा, let's not fool ourselves. ये कामयाबी सिर्फ तुम्हारी है। क्या? क्या कहा तुमने? बिल्कुल सच कहा। और क्या कहूं, क्या करूं? इस बात पर खुश होकर नाचूं कि तुम एक कामयाब स्टार हो, या ये सोच के यहां से कूद जाऊं कि मैं नाकारा, बेकार और बिल्कुल बिल्कुल ब्लडी फेलियर हूं। गॉड डैमन इट। रक्षा, कभी तुम मुझे प्यार से देखा करती थी, आज दया से देखती हो। देखो मुझे और बताओ मेरी क्या गलती है। क्या ये मेरी गलती है कि आज तुम्हारे जन्मदिन पर दुनिया भर के फूलों के सामने मेरा ये एक गुलाब लावारिस नजर आता है? क्या ये मेरी गलती है कि आज तुम्हारी कामयाबी सीढ़ी बनने के बजाय हमारे बीच एक दीवार बनती जा रही है? मेरी गलती है? दम घुटने लगा है मेरा। I'm feeling suffocated. जब तक बर्दाश्त कर सकता हूं करूंगा, और फिर मर जाऊंगा। छुटकारा मिल जाएगा तुम्हें भी और मुझे भी। ये सब क्या हो रहा है? मैडम ने सब बाहर फेंकने को बोला है। मैडम कहाँ है? मैडम बाहर गई है, उन्होंने ये चिट्ठी आपको दी है। क्रिश, मैं जा रही हूँ इस मकान से जो कभी घर न बन सका। काश तुमने समझा होता कि मेरी कामयाबी तुम्हारा प्यार है, मेरा गीत नहीं। अब शायद तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, क्योंकि एक दूसरे का साथ देने को तुम मदद करना मानने लगे हो। क्रिश, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और चाहती हूँ कि तुम अपने आप को अपने आप से बचा सको। कभी तुम मुझे मेरे जन्मदिन पर सिर्फ ये गुलाब दे सके थे, इससे ज्यादा कीमती तोहफा मेरे पास नहीं था, इसलिए जाते जाते तुम्हें दिए जा रहे हैं। लेकिन ये वादा है कि जब भी दिल से पुकारोगे मैं लौट आऊंगी। आई लव यू क्रिश, आई लव यू। होने को तो कुछ भी हो सकता है मिस्टर सूरी। गौरव चाहे तो अभी इसी वक्त व्हीलचेयर से उठ सकता है। You really think so, doctor? क्या वो सचमुच उठ? मैंने कहा अगर गौरव चाहे तो। ठोकर लगकर गिरना कुदरती बात है, लेकिन अगर कोई गिरकर उठना ही नहीं चाहे तो अक्सर पैरों की गलती नहीं होती। Here we are, the Johns Hopkins Bayview Medical Center के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के डायरेक्टर डॉक्टर डेविड हेलमन, अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन के डॉक्टर जिम ग्रीनवुड, ऐसे कई कलीग्स हैं जिनके साथ मैंने गौरव का केस डिस्कस किया है।
इसी मानी इज नॉट द इश्यू। जिस्मानी इलाज हो सकता है लेकिन लाखों खर्च करने का फायदा सिर्फ तब है जब गौरव खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर जीना चाहिए। बिलीव मी मिस्टर सूरी, जीने की चाह से बढ़कर न कोई दवा है न दुआ। लेकिन लाखों खर्च करने का फायदा सिर्फ तब है जब गौरव खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर जीना चाहिए। क्या अफ्रीका जाना चाहता है? मगर क्यों? क्योंकि अफ्रीका यहां से और जोजो से बहुत दूर है। भाग रहे हो बेटा? काश भाग सकता, सिर्फ दूर जा रहा हूं। डैड प्लीज गिव मी द पासपोर्ट एंड द टिकट। नहीं सनी, इसकी जरूरत। डैड प्लीज लेट्स नॉट आर्ग्यू ऑन दिस। ओ इसका तो इशक के चक्कर में फ्यूज उड़ गया है। तेरे दिमाग को क्या लकवा मार गया है गट्टू? देखो धर्म चाचा, ये बार बार गट्टू बोलूंगा, गट्टू 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 गट्टू, आज तक दिमाग का गट्टू। लड़की इसे छोड़े जा रही है, ये मुल्क छोड़े जा रहा है और आप मुझ पर चढ़े जा रहे हैं। तो ठीक है, बिना मेरे नाम के ये पैसे कैसे कमाए, चलिए बताइए। बताता हूँ। ओ देखो, और कुछ करे या ना करे लेकिन साडा शेर गाना बड़ा अच्छा गाता है। ओ बचपन में रोता भी बड़े सुर में था। ओ दंद ना काट, अपनी माँ पर गया है, तेरे पे नहीं। धर्म चाचा तो गाना? धर्म चाचा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं है कि मैं। ओ दिमाग ते थोड़ा जिया जोर दोगे ना तो सोचोगे भी पुत्र जी। ओ शहर में हर जगह बड़े बड़े नोटस लगे हुए हैं। ओ गवैयों का कोई बहुत बड़ा अखाड़ा है, बड़ी तगड़ी कुश्ती होने वाली है गाने की, और जीतने वाले को 50 लाख रुपए का इनाम और साथ में वो क्या होता है गाने का, वो सीडी। हाँ सीडी, और इस सीडी को अपनी मोहब्बत की सीडी बना दे। देख पुत्र, तूने कभी मेडल के लिए गाया है और कभी कप के लिए, इस बार अपनी मोहब्बत के लिए गा दे। हाँ हाँ, शो को मैं स्पॉन्सर कर देता हूँ, फिर जजेस कौन कौन है इसका पता लगा लेते हैं और फिर जजेस को खरीद लेते हैं। नहीं ओके ओके, फॉरगेट इट। डैड इस बार मैं आपको बैसाखी की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। ये पासपोर्ट और टिकट संभाल के रखिए, कंपटीशन के बाद तय करेंगे कि इसको इस्तेमाल करना है या नहीं। सनी शाबाश पुत्र। सुन, कहिए क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं, मगर जो तुम्हारी खुशी के लिए खुद को तुमसे दूर कर ले उसकी कुर्बानी की कोई कदर है या नहीं? क्रिश जाओ, वापस लाओ उसे, कुछ करो। क्या करूं? हाँ, वो कभी वापस नहीं आएगी, शायद मुझ पे कभी भरोसा भी नहीं करेगी। मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम गा सकते हो? अच्छा, आपके अलावा किसी और को एहसास ही नहीं होता? एक बहुत बड़े गाने के कंपटीशन की तैयारी हो रही है, लाखों रुपए का इनाम है, जीतने पर गाने का कैसेट भी रिकॉर्ड होगा। तुम वहां गाओगे, सारा मुल्क सुनेगा, शायद रक्षा भी। वो सब तो ठीक है लेकिन उसके लिए मुझे जीतना पड़ेगा, और फिलहाल जीतना तो दूर, मैं कंपटीशन में हिस्सा ले पाऊंगा इसका भी मुझे भरोसा नहीं। तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम्हारी एंट्री को रजिस्टर कराने की जिम्मेदारी मेरी। क्यों? क्योंकि मैं रक्षा का पति हूं। रक्षा ने तो नहीं भेजा आपको मेरे पास? नो यू ब्लडी इडियट नो। इससे पहले कि किसी ने रक्षा को सुना हो, मैंने तुमको नौकरी दी थी तुम्हारा गाना सुनकर। उस वक्त रक्षा सिर्फ तुम्हारी बीवी थी। चोरों की तरह चुपचाप तेरे अंदर ये अभिमान कब घुसा है रे? हैं?
तुमने अपनी बीवी की कामयाबी की जिद तो की, लेकिन उसे बर्दाश्त नहीं कर सके। उसे हमेशा धकेलते रहे, कभी कामयाबी की तरफ और अब अकेलेपन की तरफ। सपने पूरे करना चाहते हो तो जागना सीखो, और अगर खुद पर यकीन नहीं कर सकते तो कम से कम दूसरों के यकीन को दया समझकर गाली मत दो। कृष, उठो, मुकाबला करो और जीतो। जीतने के लिए तुम्हें न किसी इजाजत की जरूरत है, न किसी सिफारिश की। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? देव, रिजल्ट्स का इंतजार तुम लोग करो, मुझे तो मेरा इनाम मिल चुका है। ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय, चलें। आज के कॉन्टेस्ट का विनर चुन लिया है, द पास पास वॉइस ऑफ द ईयर। प्लीज ऋतिक। लेडीज एंड जेंटलमैन, द विनर इज कृष कुमार। All right, thanks, thanks. Excuse me. डैड, अरे सनी, पुत्र, मेरे नसीब में शायद अफ्रीका ही लिखा है। अरे सनी, इट्स ओके, नथिंग डूइंग डैड, जस्ट गिव मी द टिकट। नहीं नहीं, गिव मी द टिकट। नहीं सनी, जाने की जरूरत नहीं। आई विल सी यू एट द एयरपोर्ट। अरे सर, एक्सक्यूज मी। आई एम सॉरी, मेरी पहली कोशिश नाकामयाब रही। देखा, पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता, मगर तुमने उस रास्ते पर कदम रखा, यही मेरे लिए काफी है। चोचो। यस, तुम जीत गए रहते, तुम जीत गए। क्या है? वो तो देख, वो देख, जसविंदर ते ऋतिक। कम ऑन एवरीबॉडी, लेट्स गिव हिम अ बिग हैंड। Congratulations, Krish. और ये रहा आपका 50 लाख रुपए का चेक। All right. Yeah. आजकल के जमाने में अगर कुछ कहे बगैर अचानक कोई धमाका हो जाता है तो दिल थम सा जाता है। और आज की शाम मेरी जिंदगी में 3-3 धमाके हुए हैं, एक ये, एक ये और एक वो। क्या है कि मेरा दिल बहुत कमजोर है और मेरे लिए एक वही धमाका काफी है। आई लव यू। आज हम सब ने अपने आप के लिए गाया, खुद के लिए गाया, लेकिन हमारे बीच एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने लिए नहीं
बल्कि किसी और के लिए गाया, और एक अजीबोगरीब तरीके से मेरी इस कामयाबी के भी जिम्मेदार हैं। और मैं समझता हूं कि आज मुझसे ज्यादा इस इनाम के सही हकदार वो हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज मिस्टर देव दर्शन सुरे।